क्या हाल है? बढ़िया। तेरा खाना नहीं आया अभी तक? नहीं यार, बहुत देर से ऑर्डर किया हुआ है यार, अभी भी 10 मिनट डिलीवरी टाइम दिखा रहा है। अबे तुझे कितनी बार बोला है कोई कुक रख ले, कब तक बाहर से खाना खाता रहेगा? छोड़ना है यार, तब तक तेरे खाने में मुंह मारता हूँ ना। क्या लाया आज? देखते यार माँ ने क्या भेजा है। पे फिर बना दिया यार मम्मी ने घिया। 1000 बार मना किया कि मैं नहीं खाता, रिपीट में सब्जियां बनती है हमारे घर में। वो सही मस्त बनी है यार। रुक यार मम्मी, एक ही बात आपको 50 बार बतानी पड़ेगी क्या? लिख के दूं? अरे नहीं खाता मैं घी की सब्जी यार। मम्मी एक काम करो, आप ना उन दोनों के हिसाब से ही हमेशा खाना बनाओ। अब भी बनाई थी आपने कुछ दिनों पहले भी घी की सब्जी, फिर से भेज दी यार। अब आप इस समय आओगी थोड़ी नहीं यार, मैं कुछ नहीं खा रहा। छोड़ो यार मम्मी, बाय यार। कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ, एक घटिया सा खाना कौन खाएगा? तेरी औकात क्या है? क्या नहीं, तू कौन है? क्या औकात है तेरी? अभी क्या बकवास कर रहा है? मैं बकवास कर रहा हूं? बकवास तूने की है अभी, वो भी अपनी माँ से। अबे तो कितनी बार समझाऊं यार, उनको समझ में नहीं आता। तो तू सुबह उठ के खाना बना लिया अगर अपने लिए, है तेरे बस की? यार तेरी मम्मी रोज सुबह उठ के पहले तेरे लिए नाश्ता बनाती है, फिर लंच का टिफिन भी पैक करती है। तेरे तो पता है खाना बनाना कितनी मेहनत का काम है, और तूने एक ही झटके में उस खाने को घटिया बोल दिया और अपनी माँ से इतनी बदतमीजी की। अबे खाना बनाना तो छोड़, खाने में क्या बनाना है भाई, एक माँ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि घर में सिर्फ तू एक नवाबजादा तो है नहीं, तेरे दो बड़े भाई भी हैं। क्योंकि जो तेरे बड़े भाई को पसंद है वो तुझे पसंद नहीं आता, जो तुझे पसंद है उसको पसंद नहीं आता। अबे तेरी माँ का ना दिमाग खराब हो जाता है ये सोचने में भी खाने में बनाना क्या है। अबे 15 दिन तक रिपीटेड सब्जियां नहीं खाता मैं, कितना मुश्किल है समझना बताइए। ठीक है, तू रिपीटेड सब्जियां नहीं खा सकता ना 15 दिन के लिए। तू नहीं एक काम कर, तू मुझे हफ्ते भर की ना सब्जियां गिना, 3 टाइम की होगी। चल अबे कौन सी बड़ी बात है, आलू, भिंडी, बैंगन, दाल, तोरी, आलू, आलू। आलू गोभी अच्छा और हो गया? हाँ हो गया। तुझसे 4 दिन की सब्जियां तो गिना ही नहीं गई, और तू ये चाहता है कि 15 दिन तेरी माँ अलग अलग सब्जियां बनाए तेरे लिए? हाँ कौन है तू? अबे तेरे नखरे भी बड़े अलग हैं यार। कभी तेरे को सब्जी में नमक कम लगता है, कभी मसाले कम लगते हैं, कभी तेरी मम्मी ने तेरी फेवरेट चटनी नहीं बनाई होती। अबे कहाँ का नवाब है तू भाई? चाहे जितनी सर्दी हो जितनी गर्मी हो, तेरी मम्मी तेरे लिए रोज टिफिन भेजती है लंच का, रोज। तूने सोचा है कभी? एक माँ चाहे बीमार भी हो जाए ना, अपने बच्चों के लिए खाना बनाए बिना नहीं रह पाती। तुझे पता है क्यों? क्योंकि माँ की सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी तसल्ली इसी बात में होती है कि उनके बच्चे ने खाना खा लिया। भाई तेरी मम्मी ने तो तेरे को ये तक बोल दिया कि नई डिश बना के ऑफिस देने आ जाएंगी। सोच, एक माँ के अलावा और कोई कर सकता है ये? और अगर तू अभी घर भी चला गया ना, तो तेरी माँ तो उससे नाराज ही बैठी होगी, तो बस पूरा दिन यही सोचती रहेगी कि उनके बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया। भाई तू बहुत लकी इंसान है कि तेरे को 3 टाइम का खाना अपनी माँ के हाथ का मिल जाता है। अभी मेरे जैसों की सोच, जो दूसरे शहर में रहते हैं, अपनी माँ का हाथ का खाना खाने के लिए तरस जाते हैं हम लोग। और मुझे लगता है नहीं तुझे बात अभी समझ आएगी, तुझे बात तब समझ आएगी जब तू दूसरे शहर में जॉब करेगा, अपनी माँ से दूर रहेगा और अपनी माँ के हाथ का खाना नहीं खा पाएगा। अबे सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखता है तू, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द लवली मदर्स आउट देयर। अबे काहे का हैप्पी मदर्स डे जब तू अपनी माँ को दुख दे रहा है? भाई तेरे को ऑनेस्टली एक चीज बोलूं, अगर अपनी माँ की मेहनत को अप्रिशिएट नहीं कर सकता ना, तो एटलीस्ट ऐसे उनकी बेइज्जती करके ना उनको दुख मत दे। क्योंकि एक माँ कभी ये दुआ नहीं करती कि उसको खुशी मिले, एक माँ हमेशा ये दुआ करती कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें, क्योंकि वो एक माँ है। तो सही कह रहा है यार, आई एम रियली सॉरी। भाई मुझे सॉरी मत बोल, तो अपनी माँ को फोन कर, उनको सॉरी बोल जिनकी तूने बेइज्जती की है। राइट हम लोग अपना मनपसंद खाना न मिलने पर कई बार ओवर रिएक्ट कर देते हैं, गुस्सा होने लगते, चिल्लाने लगते हैं। पर उन लोगों का सोचो यार जो हमारे लिए खाना बनाते हैं, जैसे हमारी माँ, हमारी भाभियाँ, हमारी बहनें। एंड वी डोंट इवन रियलाइज कि उन लोगों को हमारे लिए खाना बनाने के लिए कितना सोचना पड़ता है यार, एंड दैट टू फॉर एवरी मील। अगर हम उनकी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उनको यार गुस्सा करके या चिल्ला के उनको दुख नहीं देना चाहिए। हम इंडियंस ने हमेशा अपनी माँ का और जिसने हमें खाना खिलाया उसका दर्जा सबसे ऊपर रखा है। सो लेट्स कंटिन्यू टू डू इट। दैट्स इट फॉर दिस वीक। आई विल सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे। बी गुड।